Let us look at the case of magnetic field intensity in a solenoid. This is basically based upon the application of our last time we discussed Ampere's law. We will be deriving this intensity on the basis of the Ampere's circuital law. And before we calculate the numerical value as well as analytical value of the magnetic field intensity over here in this case, we might be knowing that what do we mean by the term solenoid, and what does it look like, and what are the different important properties of the solenoid beta. So solenoid, it is with a very long wire which we wind in the form of a helical spring, provided the diameter of the wire is very small and the length of the wire that's very very large with it. So in simple words beta, we can say that a solenoid, it is a long wire, rather conducting wire, we can say long conducting wire. इसको इंसुलेट करके बेटे अटैच करेंगे, एज सच नहीं यूज कर पाएंगे. इट इज ए लॉन्ग कंडक्टिंग वायर वाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिकल स्प्रिंग बेटा. हेलिकल स्प्रिंग, एज वी आर ऑल क्वाइट फैमिलियर विद द स्प्रिंग ऑफ दिस टाइप. आपने एक सिंपल कॉपर का वायर, इसको इंसुलेट करने के बाद, इंसुलेट करने का मीनिंग है कि इसके ऊपर आपने एक आउटर कवरिंग प्लास्टिक का या बेटा कोई भी और इंसुलेटिंग मटेरियल का जो है वो मैनेज कर रखा है, और हमने कुछ इस तरीके से ये अपना कॉपर वायर को वाइंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ दिस स्प्रिंग. इमेजिन करिए हमने करंट आई जो है ये यहाँ से एंटर करवा दिया, और ये करंट आपका ऑब्वियसली बेटे यहाँ से लीव कर जाएगा. वी एट प्रेजेंट मस्ट बी नोइंग दैट बेटा, अगर किसी फेस पे, जिस फेस पे आप करंट एंटर करवा रहे हो या करंट आप वहां से एज एन आउटपुट ले रहे हैं, अगर करंट आपका डियर चिल्ड्रन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा तो वहां पे नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी. एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका किसी भी पर्टिकुलर क्वाइल में, टर्न में आपका जो करंट है दैट इज इन द क्लॉकवाइज सेंस, तो वहां पे बेटे आपका जो है साउथ पोलैरिटी दैट विल ऑब्वियसली गेटिंग फॉर्म्ड बेटे. आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो आपका करंट क्लॉकवाइज सेंस में यहां से एंटर कर रहा है. जरूरी नहीं है कि आपने ऐसे ही इसको देखना है, क्लॉकवाइज में सेंस में ही देखना है. आप इस पर्टिकुलर केस को बेटा किसी भी सेंस में करंट उधर से भी एंटर करवा सकते हो, दैट इज व्हाट आई वांट टू से. तो यहाँ पे क्योंकि क्लॉकवाइज सेंस में करंट हमें दिख रहा है, इट विल बी द क्लियर कट इंडिकेशन दैट कि यहाँ पे आपका जो है साउथ पोलैरिटी, एंड यहाँ पे आपका जो है बेटा ये अदरवाइज नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगा. और आप जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है बेटा, ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ ओरिएंटेड रहती है. इट विल स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ एंड इट विल टर्मिनेट एट द साउथ पोल. आप कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको बना सकते हो, शो कर सकते हो. देन इनसाइड द सोलिनॉइड अगर बात करें तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इट विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एंड इट विल बी बिटवीन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज इंडिकेटेड बाई दीज पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट लाइन्स विद इट. मैं बेटे एक बार फिर से
रिपीट करूं, अगर अगर हम बेटे सोलिनॉइड की बात करें तो सोलिनॉइड हमारा जो है इट इज ए वेरी 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 लॉन्ग वायर जिसकी लेंथ इन कंपैरिजन टू इट्स डायामीटर बहुत ही ज्यादा होगी। सेकेंडली आप इस वायर को एक स्प्रिंग की फॉर्म में वाइंड कर देते हो विद द एयर एट द सेंटर और एट द कोर, एयर कोर सोलिनॉइड भी इसको हम बेटा बोल सकते हैं। किसी भी फेस पे अगर आपका करंट बेटा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस का मीनिंग होगा वो आपका नॉर्थ पोलैरिटी बन जाएगा। अगर आपका करंट बेटे क्लॉकवाइज सेंस में होगा वो आपका साउथ पोलैरिटी बन जाएगा। इमेजिन कर लीजिए आपका यहाँ पे जो करंट है इट इज इन द क्लॉकवाइज सेंस, हेयर ऑटोमेटिकली साउथ पोल विल बी फॉर्म एंड हेयर द नॉर्थ पोल विल बी फॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड इट विल बी बेटा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन द आउटर पार्ट ऑफ द सोलिनॉइड एज इज इंडिकेटेड बाई दिस सिंगल लाइन, एंड इन द इंटीरियर ऑफ द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बेटा मान लिया बेटा यस बेटे बोली उत्तर मानविया यू आर अनम्यूटेड बेटा। सर ये जहाँ पे आपने साउथ पोल मार्क किया है वहाँ पे नॉर्थ पोल नहीं बन रहा, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है करंट। एक मिनट बेटे दोबारा बोलिएगा सर, जहाँ पे आपने साउथ पोल मार्क किया है वहाँ पे नॉर्थ पोल नहीं बनना चाहिए क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है करंट। अगर बेटे मैं यहाँ से देखूं इस फेस से मेरी तरफ जो फेस है ये मेरे पास ऐसे क्वाइल है तो करंट इस तरीके से क्लॉकवाइज सेंस में मुझे दिख रहा है। अगर मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि इट विल बी ऑलवेज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर फेस से व्यू करोगे इमेजिन कर लीजिए आपका जो टर्न्स में करंट है एंटी क्लॉकवाइज है तो वी कैन मार्क नॉर्थ पोल ओवर हियर, नो प्रॉब्लम विद दैट, लेट मी ड्रॉ दैट वे आल्सो बेटा। इमेजिन कर लीजिए ये आपके पास एक अगेन सोलिनॉइड है और इस सोलिनॉइड में ये आपने करंट कुछ इस तरीके से एंटर करवा दिया। अगर तो बेटे इस स्पेस पे करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये लग रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ऑब्वियसली वी विल बी मार्किंग नॉर्थ। मैं सिर्फ ये सपोज करके चल रहा हूँ कि अगर करंट आपका क्लॉकवाइज है बेटा तो साउथ पोल बन जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज आप करंट दे रहे हो तो ऑब्वियसली बेटे ये नॉर्थ ही बनेगा। अगर इधर नॉर्थ आ जाएगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन नॉर्थ टू साउथ आप इस तरीके से मार्क कर दोगे और इन द इंटीरियर आपका जो फील्ड होगा इट विल बी बिटवीन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगर आप इधर साउथ लोगे आपका बाहर डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा और इन द इंटीरियर साउथ टू नॉर्थ ही रहेगा। सो ये दो ही इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा। जब भी आप किसी भी सोलिनॉइड की बात करो पहली बात तो ये है कि आपको करंट का डायरेक्शन देखना है। जैसे कोई भी क्वाइल है उसको आप अपनी तरफ फेस कर लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ मार्क कर दीजिए, अगर एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो सिंपली मार्क इट एज नॉर्थ। यहाँ पे मैंने अज्यूम किया कि ये नॉर्थ पोल है, अगर नॉर्थ है तो आपका बाहर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ चला गया बेटा, इन द इंटीरियर इट इज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ डायरेक्शन। हमें इस इंटीरियर वाले रीजन में यहाँ पे बेटे हमने फोकस करना है, वी इंटेंड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस इंटीरियर पार्ट ऑफ द सोलिनॉइड बेटा। और ये पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस इफ यू पिक दिस पर्टिकुलर और दिस पर्टिकुलर सेटअप ऑफ द डायग्राम तो ये इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल लाइंस आपको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट कर दिया करती है और आपको वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बेटे स्ट्रेंथ ही विद द हेल्प ऑफ एम्पीयर्स लॉ निकालनी है बेटा। तो उसके रिगार्डिंग बेटे लेट मी री ड्रॉ द सोलिनॉइड विद ए स्मॉल 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 सर्च क्वाइल इंसर्टेड इनटू द सेम। लेट अस बेटा ट्राई टू कैलकुलेट the strength of the magnetic field in the interior बेटे। ये आपका solenoid बिल्कुल वैसे ही जैसे आप already बना चुके थे,
ये जैसे मान लिया बोल रही है कि इधर हमने नॉर्थ लेना है तो लेट इट बी नॉर्थ, लेट इट बी साउथ, नो प्रॉब्लम विद दैट। आपका इसके अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बेटा जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है इन द इंटीरियर, ये बेटे साउथ टू नॉर्थ रहेगा और बाहर वाले पार्ट में नॉर्थ टू साउथ वो मैं नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे प्रेजेंटली। देन फर्दर मोर एक हमने बेटे क्वाइल इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल रिक्टेंगल इमेजिन कर लिया, दिस इज द क्वाइल बेटा, इट इज इन द शेप ऑफ ए रिक्टेंगल और आपने इस क्वाइल का नाम कुछ ए बी सी एंड डी कुछ नाम आप कोई भी रख सकते हो एंड ए से लेकर डी तक आपके क्वाइल का रिक्टेंगुलर क्वाइल का लेंथ हमने बेटे स्मॉल या कैपिटल एल कोई भी आप चूज कर सकते हो। लेट बेटा कैपिटल एल जो है इट इज द लेंथ ऑफ द क्वाइल ए बी सी डी, ये वाला पार्ट आपका ब्रेथ आ जाएगा, इसकी प्रेजेंटली हमें बेटे रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड डियर चिल्ड्रन स्मॉल एन लेट इट बी नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बेटा, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आप अगर इतने इतने पार्ट में निकालना चाहें इतने हिस्से में ए से लेकर डी तक इतनी है तो दैट विल बी इक्वल टू एन इनटू एल और टोटल टर्न्स को हम कैपिटल एम लिख सकते हैं बेटा। एक सेंटीमीटर में स्मॉल एन के बराबर टर्न्स हैं, एल सेंटीमीटर में एन इंटू एल के बराबर आपकी टर्न्स टोटल बच्चों बन जाएगी। नाउ बेटे लेट अस अप्लाई एम्पियर्स लॉ बेटा, अप्लाइंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बेटा क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द क्लोज पाथ, जितना भी टोटल करंट बेटे जो हमारा वहां उस केस में फ्लो हो रहा है वी विल बी बेटा कैलकुलेटिंग दैट करंट एंड वी विल बी मेकिंग यूज ऑफ दैट करंट एज सच इन दिस केस बेटे। सो आइए बेटे अब हम ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इसको और राइट हैंड साइड को बेटे वर्कआउट कर लें। आपका आई करंट सिंगल टर्न में फ्लो हो रहा है, ये करंट आपने आई मैनेज किया विच इज फ्लोइंग इन योर सोलिनॉइड बेटा। फर्दर मोर बेटे टोटल करंट फ्लोइंग कितना हो जाएगा आपका, टोटल करंट फ्लोइंग देखिए बच्चों एक आपका जो टर्न है इसमें आई के बराबर करंट फ्लो हो रहा है, इतने हिस्से में कितनी टर्न्स हैं आपकी बेटा स्मॉल एन इंटू एल के बराबर, इट विल मीन दैट एन इंटू एल इंटू आई राइट साइड ऑफ दिस इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा। अब बेटी लेफ्ट साइड को अगर मैं सॉल्व करूं बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल है, डायग्राम पे जरा फोकस करिएगा, ए से लेकर डी, डी से लेकर सी, सी से लेकर बी, बी से लेकर फिर ए, ये आपका क्लोज लूप बन जाएगा पूरे का पूरा। तो मैं इस रिलेशनशिप को बेटा ये देखिए आपका ए से लेकर डी बी डॉट डी एल, अब मैं यहाँ पे क्लोज नहीं करूंगा इसको, प्लस बेटा डी ए से लेकर सॉरी डी आई बी नहीं है और डी से लेकर आपका सी अगेन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, लेट मी मैनेज द स्पेस ओवर हियर फॉर द सेम, इट विल बी प्लस नेक्स्ट टर्म आपका आ जाएगा बेटा ये सी से बी तक बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, देन बी से ए तक आप वापस चले आइए, दिस इज बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। नाउ बेटा डियर स्टूडेंट्स इफ वी फोकस ओवर हियर इन दिस पार्ट वी विल से दैट बेटा हमारा यहाँ पे जो आपका डी एल एलिमेंट है और बी है ये इनके बीच में एंगल आपका जीरो डिग्री का रहेगा या 180 का रहेगा,
डिपेंडिंग अपॉन कि आपका ये पैरेलल हो गया है कि एंटी पैरेलल हो गया है। प्रेजेंटली आप लेफ्ट हैंड साइड को फिर बेटा बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं इसके अकॉर्डिंगली, इट विल बी बी डी एल कॉस जीरो या 180 भी आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा 180 नहीं आएगा। प्लस ये आपका सेकेंड पार्ट है, दिस इज परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर है, एलिमेंट इस तरफ चला गया, दोनों के बीच में राइट एंगल बन जाएगा, cos 90 विल कॉन्ट्रीब्यूट नथिंग। और डियर स्टूडेंट्स, आउटसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी 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 वीक, प्रैक्टिकली जीरो ही कहते हैं हम बेटा, और ये वाली पार्ट की वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी अगेन जीरो, एंड हेयर इट इज अगेन परपेंडिकुलर, एलिमेंट का लेंथ या ब्रेथ परपेंडिकुलर है, फील्ड आपका इधर या इसके अपोजिट है, तो इट विल अगेन ड्यू टू द कॉस ऑफ एंगल 90 कॉन्ट्रीब्यूट नथिंग बेटा। और हमारे पास बी इंटीग्रल ऑफ दिस बी एल, इसको अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे इट विल बी बी इंटू एल बेटा। अब आइए, एम्पियर्स लॉ हमने जो बेसिकली लिखा था उस लॉ में लेफ्ट साइड और राइट साइड इन दोनों की वैल्यूज को बेटा सब्स्टिट्यूट कर दें। We were having with us that B vector dot DL vector according to Ampere's concentrations mu naught times total current, हमने ये relationship already work out किया हुआ है बेटा, और ये आपने left side को निकाल दिया B L के बराबर, और right side पे mu naught N L I ये भी आप already work out कर चुकी हो। L आपका dear students it is getting cancelled and B it is equal to mu naught into N into I। और यहाँ पे बात बहुत ही ज्यादा important समझने वाली है कि आपका जो strength है magnetic field का inside the solenoid B, ये बेटे directly dependent है N पर, number of turns per unit कितनी है length के, इसका मतलब बेटे डायरेक्टली ये हुआ कि अगर आपने वाइंडिंग टाइट की हुई है, वायर्स को बिल्कुल क्लोज वाइंड किया हुआ है, आपका यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा, और अगर आपने वायर्स को बेटा लूज वाइंडिंग की हुई है, आपका स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट बी सो लार्ज। सेकेंड पैरामीटर है इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लोइंग थ्रू द सोलिनोइड, लार्जर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट लार्जर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वाइस वर्सा। कई बार एग्जामिनर आपको एंड पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं कि एंड पॉइंट्स पे कितना होगा, याद रखिएगा डेरिवेशन हम प्रेजेंटली नहीं कर पाएंगे, हमारे उतना हमने अभी नहीं पढ़ा है, स्कोप से बाहर है। एंड पॉइंट्स पे, एंड पॉइंट्स का मतलब है ये वाला एंड और ये वाला एंड, इन एंड पॉइंट्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है एग्जैक्टली हाफ हो जाया करती है इन कंपैरिजन टू द मिडल बेटा। तो एंड पॉइंट्स पे इंटेंसिटी बेटा ये बन गई, इन द इंटीरियर ये बन गई। कई बार एग्जामिनर आपको ग्राफिकली इसकी वेरिएशन प्लॉट करने को भी कहते हैं, तो आप ये आपका ओरिजिन सेंटर में मिडल पॉइंट ले लोगे, और ये अगर टोटल लेंथ आपकी यहां से यहां तक एल है, देन इधर भी एल बाई टू हो जाएगी, इधर भी एल बाई टू हो जाएगी बेटा, और आप जब ये ग्राफिकली इसको प्लॉट करोगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। इन एक्सिस पे आपने बी लिया, इन एक्सिस पे आपने लेंथ कंसिडर किया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेट लाइन रहेगा, और एंड पॉइंट्स पे ये कुछ इस तरीके की ग्राफिकल वेरिएशन इंडिकेट कर देता है। ये एंड पॉइंट्स हैं आपकी ये वाले, और यहाँ पे आप देख लीजिए आपका एंड पॉइंट पे एग्जैक्टली हाफ हो रहा है, और अगर आप एंड पॉइंट से बाहर चले जाएंगे आपका फील्ड ऑब्वियसली बेटे जीरो हो जाएगा, दैट इज वेल डिपिक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर ग्राफिकल वेरिएशन बेटा। सो दिस इज द केस ऑफ यूर बेटा सोलिनोइड। सो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर बेटा, any student if you want to say something you are most welcome। Pritika beta, yes sir,
बेटे ऑल क्लियर की कोई बात है करने वाली तो बताइए पुत्र। क्लियर है सर। इश्कुनीत हाँ जी सर। इज इट ऑल राइट बेटा? यस सर। कोई मुश्किल तो नहीं आ रही बेटे? नो नो सर। चलिए फिर बेटे इसके साथ ही बेटा मिलता जुलता हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट है टॉयरॉइड का। बिल्कुल आप अपने सोलिनॉइड के कंसेप्ट के साथ मिलता जुलता ही ये आपका कंसेप्ट है और इन दोनों में से जनरली एग्जाम में एक आधा पूछ लिया जाता है। लेट मी हैव टॉयरॉइड बेटा। आपके पास सोलिनॉइड बिल्कुल इस तरीके से बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में हेलिकल स्प्रिंग था इस तरीके से। आपने क्या किया इसको पकड़कर ऐसे सर्कुलर वे में कॉइल की तरह बेटा बेंड कर दिया। अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपका जो सोलिनॉइड है उसको पकड़ लिया। जैसे एक लॉन्ग स्प्रिंग हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक लॉन्ग स्प्रिंग है तो लेट मी टेक द हेल्प ऑफ दिस पेज आई एम हैविंग विद मी। दिस इज ब्लैंक पेज विद मी बेटा। इसको मैं अगर ऐसे ये थोड़ा सा शेप को फोल्ड करने की कोशिश करता हूँ इफ आई एम सक्सेसफुल इन दिस तो ये कुछ देखिए थोड़ा सा सोलिनॉइड की तरह लग रहा है पाइप सा लग रहा है और ये आपका एक आपका बेटा जो हो गया कॉइल का एंड और ये दूसरा एंड हो गया। एक को आप नॉर्थ साउथ बोल रहे थे। अब आपने क्या करना है इसको पकड़कर धीरे से ऐसे अब ये फोल्ड हो नहीं रहा है इसको ऐसे सर्कुलर वे में ऐसे कर देना है। ये सर्कुलर कॉइल की फॉर्म में जब आप बेंड कर दोगे अपने सोलिनॉइड को इसी चीज को बेटे हम टॉयरॉयड बोल देते हैं। सो टॉयरॉयड बेटे क्या है? टॉयरॉयड इज ए सोलिनॉइड बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर कॉइल बेटा। जैसे कि अगर हम बेटे इसको प्लॉट करना चाहें डायग्राम की हेल्प लेना चाहें तो कुछ बेटे इस तरीके का ही आपको लगेगा। ये थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। आप भी अपनी नोटबुक पे बेटे ड्रॉ करने का कोशिश करिए। वी हैव सो मैनी टर्न्स एंड दीज टर्न्स आर इन दिस वे अरेंज दिस वे समथिंग लाइक दिस। बेटा आप इसको एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन मेक यूज ऑफ ए की और रियोस्टेट वगैरह भी आप लगा सकते हो सो दैट कि आपको अगर करंट को कंट्रोल करना पड़ जाए आप अपने करंट को कंट्रोल कर लो इन दिस वे। सो डियर स्टूडेंट्स व्हेन द करंट विल बी पासिंग थ्रू दिस एज सच तो यू कैन वेल इमेजिन कि ये वाला जो पार्ट है सेंटर वाला पार्ट आपके ये सोलिनॉइड का जिसको हमने सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दिया है इसके सेंटर वाले पोर्शन पे ये वाले पोर्शन पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा जैसे आप भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो इन द केस ऑफ द सोलिनॉइड। इन कोशिश करेंगे बेटे व्हेन यू विल बी ड्रॉइंग दिस डायग्राम ट्राई योर लेवल बेस्ट दैट कि आपकी लाइंस इंटरसेक्ट करती हुई ना दिखाई दे बिकॉज वी वेल नो दैट बेटा इन द केस ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दे नेवर इंटरसेक्ट। If they are getting intersected somehow by mistake, that will be the clear-cut indication that they are existing two directions of the magnetic field intensity, which is today not possible. Now, let us really directly apply Ampere's law to this case over here. But before that, let capital I be the electric current being passed through the solenoid or the toroid and small r let it be the radius, O is the center and with a small n number of turns for unit length of this toroid. Let me write in brief this description. I beta let it be the current flowing through a single turn. Ek turn mein se kitna current flow ho raha hai and small r it is the radius of toroid and beta small n this is the number of turns
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बेटा। तो एक यूनिट लेंथ में अगर n के बराबर टर्न्स हैं तो डियर स्टूडेंट्स टोटल टर्न्स हमारी कितनी हो जाएंगी बेटा, टोटल टर्न्स हमारे पास देखिए इसकी लेंथ अब सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगी, इट विल बी 2πr इनटू यूनिट लेंथ में n के बराबर टर्न्स हैं तो इट विल बी n इनटू 2πr। ये बेटे हमारा टोटल टर्न्स आपके इस केस में बन जाएगी। और डियर स्टूडेंट्स एक टर्न में से करंट आई है तो टोटल टर्न्स में से टोटल करंट बेटे कितना बन जाएगा फिर, इट विल बी 2πr(n) इनटू I बेटा, समथिंग लाइक दिस। इस चैप्टर को हम अपने माइंड में रखेंगे, हमारे काम आने वाला है लेटर ऑन। लेट अस नाउ बेटा डायरेक्टली अप्लाई एम्पीयर्स लॉ, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, दिस इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर क्लोज पाथ। थोड़ा सा और ध्यान देना होगा आप लोगों को, इसके अंदर टॉयरॉयड के अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी मार्क कर सकती हो इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, आप यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट जिसका लेंथ डी एल है ये कंसिडर कर लीजिए। आई मीन टू से दैट आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, आपने अपना एलिमेंट पैरेलल टू दिस मैग्नेटिक फील्ड बेटा अज्यूम किया है। नाउ बेटे डियर स्टूडेंट्स हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है इट विल बी इंटीग्रल बी डी एल कॉस, इट विल बी जीरो बेटा, जीरो वाई जीरो बिकॉज बी एंड डी एल आर इन द सेम डायरेक्शन। एंड ऑन द राइट हैंड साइड बेटा इट विल बी म्यू नॉट, टोटल करंट आपने ऑलरेडी देखिए वर्कआउट कर रखा है, इट इज 2πr इनटू बेटे यूर स्मॉल n एंड i बेटा, 2πr इनटू n इनटू i, दिस इज बेटे यूर टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द टॉयरॉइड। अब आइए बेटे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। लेट अस बेटे कंसंट्रेट अपॉन दिस पार्ट ऑफ द calculation. We with us have that closed line integral b dl mu naught 2πr into n into I बेटे, b को आप integral से बाहर कर लीजिए, closed line integral dl mu naught 2πr into n into I। अगर आप इतने पार्ट को पुत्र डीएल बोल रहे हो तो पूरा इंटीग्रेट करके इट विल बी बेटे 2πr आ जाएगा डीएल का इंटीग्रल, सो इट विल बी बी एंड दिस इज योर 2πr म्यू नॉट 2πr इनटू n इनटू i डायरेक्टली गेटिंग कैंसिल बेटा। और आपका मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी दिस इज म्यू नॉट इनटू n इनटू i आपको मिल जाएगा। अगर बेटे न्यूमेरिकल पर्पसेस के लिए आपको मान लीजिए स्मॉल n नहीं पता है, आप इस स्मॉल n की जगह पर अपना टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय द सर्कमफेरेंस लिख सकते हो। आई मीन टू से दैट अगर n आपकी जो है ये बेटे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो आपका स्मॉल n इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है बेटा, तो आपका स्मॉल n डियर चिल्ड्रन कैपिटल n बाई 2πr था, यहाँ पे आप लिख सकते हो, दिस इज व्हाट आई मीन टू से बेटा। सो आपका बेटे जो b है इट इज म्यू नॉट इनटू कैपिटल n इनटू i डिवाइडेड बाई 2πr, आप ऐसे भी अपना रिजल्ट जो है e लिख सकते हो। तो बात बेटे दोनों में कॉमन ही है, चाहे आप अपना सोलिनॉइड के ट्रीटमेंट की बात कर लीजिए चाहे टॉयरॉइड के बारे में बेटे बात कर लो, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट बीइंग पास थ्रू द टॉयरॉइड और द सोलिनॉइड। ज्यादा करंट होगा तो फील्ड ज्यादा होगा, अगर कम करंट होगा तो आपका फील्ड भी कम होगा, कहाँ पे इन द इंटीरियर दिस पार्ट ओनली, हम बाहर वाले फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं।
सेकेंडली अगर आपका स्मॉल एन ज्यादा है, स्मॉल एन बिकॉज ज्यादा होने का डायरेक्ट मीनिंग ये है कि आपने वाइंडिंग बड़ी टाइट की हुई है, बिल्कुल पास पास आपने अपनी वायर्स को एडजस्ट किया हुआ है, और उस केस में आपका स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट विल बी लार्ज, और अगर आपका वाइंडिंग लूज है देन इट विल बी बिटी ऑब्वियसली स्मॉल. सो दैट वाज समथिंग रिगार्डिंग अवर बिटी टॉयरॉयड. ये आपके एक सॉलिनोइड केस के साथ बिल्कुल मिलता जुलता एग्जैक्टली रादर सेम ही है. एल और डी एल को थोड़ा सा आपने वेरी किया है, बाकी इसमें कोई नई बात नहीं बेटा. आइए बेटी इसके बाद आई हैव द कंसेप्ट ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड. सो आइए बेटे इसको भी देखें. मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल, लेट अस कंसंट्रेट बेटा. मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल बेटे, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन. किसी रीजन ऑफ द स्पेस में आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बेटे बना के रखा हुआ है, मैनेज करके रखा हुआ है. उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमारा जो चार्ज पार्टिकल है दैट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी. एक आपको रफ आइडिया दे देता हूँ, डिटेल में बात कल कर लेंगे. इमेजिन दिस इज योर चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी वी इन दिस रीजन. लेट अस इमेजिन दैट This is the magnetic field capital B uniform है. मैं एक ही लाइन शो कर रहा हूँ, अदरवाइज पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस होंगी. और इन दोनों के बीच में एंगल जो है लेट इट बी थीटा बेटा. और एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया है कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा F के बराबर जो लगेगा फोर्स बेटा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. It is directly proportional to B. It is directly dependent upon B. It is directly dependent upon sine of angle theta between the two vectors. Combine करने पे आपके पास F जो है, it will be equal to K Q V B sine theta. K आपका one होता है यहाँ पे. It will be Q V B sine of angle theta. वेक्टर फॉर्म में इट विल बी क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. डायरेक्शन बताने के लिए मैं रुका हुआ था आपको. दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स बी एंड डी. आप अपना राइट हैंड स्क्रू रूल यूज कर सकते हो, राइट हैंड को होल्ड करिए. वी आपका पहले आता है, बी बाद में आता है. बी से लेकर बी की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए. आइए देखिए ये वी है मेरा. एक्चुअली ये आपका कुछ इस तरीके से बेटी ओरिएंटेड है. एक मिनट आपका लूंगा, प्लीज जरा ध्यान दीजिएगा. ये दो पीसेस मेरे पास चौक के हैं, ये आप देख रहे होंगे. ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है. मेरा राइट हैंड है, वेलोसिटी वेक्टर से मैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूँ. दिस इज द थंब इंडिकेटिंग द फील्ड, सॉरी फोर्स. तो ये फोर्स की डायरेक्शन बेटे बन गई. फिर से देखिएगा, ये मेरे पास बेटे वेलोसिटी वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है. मैं वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूँ. हम अपवर्ड पॉइंट कर रहा है. दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल. अदरवाइज डियर स्टूडेंट्स, आप सिंपली आपका जो है वेक्टर अलजबरा वेक्टर नोटेशन के अकॉर्डिंगली भी आप अपनी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते. So that was something regarding with a magnetic force acting on the charge particle. इसके special cases में भी पढ़े हैं, तो कल मैं यहाँ से start करूँगा. So that's all for the day, बेटा. Thank you all. किसी student को कोई बात बतानी है तो you are most welcome, बेटा. Ishpuneet. हाँ जी सर. Yes sir. हाँ जी, all well. हाँ जी सर, सब कुछ ठीक है.
ओके बेटा, ओके देन, थैंक यू ऑल बेटे, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे सर, ओके।